बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। कोरोना के इस संकट काल में लगातार हम आपको एक बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। तमाम तहसीलों में क्या व्यवस्थाएं हैं, जनपद स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं और तमाम ऐसे अधिकारियों की भी उनके क्रियाकलापों को दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से फील्ड में रह करके काम कर रहे हैं। हमने आपको कई विधायकों से जनसंवाद के कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू कराया कि वो किस तरह से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज हम जो भारत गाँव से बनता है, कहते हैं कि गाँव से भारत का निर्माण होता है, गाँव पहली इकाई होती है, पूरा दिल जो होता है भारत का वो गाँव में बसता है और उन गाँव के जो मुखिया होते हैं, जो प्रधान होते हैं, जो पूरे गाँव को अपने थ्रू चलाते हैं, जो गाँव के प्रथम नागरिक होते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस कोरोना संकट काल में, क्योंकि उन्हीं को गाँव में क्वारंटाइन सेंटर बनाने हैं, उन्हीं को गाँव में सैनिटाइजेशन कराना है, उन्हीं को सबको राशन देना है, उन्हीं को सबको भोजन की व्यवस्था देखनी है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी गांव के प्रधान पर है और जो संगठन है प्रधानों का उन पर तो बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने जिले में, अपने प्रदेश में जहां तक उनका काम करने का दायरा है, वो सभी सदस्यों से, सभी ब्लॉक अध्यक्षों से लगातार उनसे जुड़े रहें, उनसे पूछ रहे हैं कि हाँ किस तरह से काम हो रहा है। तो आज ऐसे ही हम राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव के पास बैठे हैं और आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, आप क्योंकि जिलाध्यक्ष हैं इस संगठन के, कि आपके गांव में और आपके जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। डॉक्टर साहब, आपके गांव में कोरोना से लड़ने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और अभी तक क्या क्या व्यवस्थाएं, सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराई गई हैं? सबसे पहले पी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने एक ऐसे समय पर जो कोरोना महामारी हमारे देश में पूरा आतंक मचाया हुआ है, उस समय में आप आज बात उठाए हैं, गांव की बात उठा रहे हैं, कोरोना पर बात कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जब से कोरोना वायरस हमारे गांव, हमारे देश में इफेक्ट किया है, तो हम लोगों ने अपने गाँव में लगातार अपने गांव के हर एक नागरिक को सुरक्षित करने के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं। जैसे मैं खुद एक डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर होने के नाते भी मैंने लगातार अपने यहां जब शुरू में इस तरीके से आया, जबकि प्रवासी नहीं आ रहे थे, जब बॉम्बे से सुनने में आया तो बड़ा अफरा तफरी मचा कि कोरोना आ गया है, इफेक्ट होगा इनको, इस तरीके की समस्याएँ होंगी, गला गड़ने लगता है, सर्दी जुकाम तमाम ऐसी बीमारियाँ होने लगे। तो कुछ लोगों को ये महसूस होने लगा कि यार मुझे खांसी आ रहा है, मुझे जुकाम हो गया, मुझे बुखार आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमको कोरोना हो गया। तो ये सब चीजों को जब मैं देखा तो जागृत करने के लिए मैं स्वयं, मेरे पास थर्मल स्कैनिंग, बीपी मशीन, इसके बाद पल्स रेट, ऑक्सीजन और शुगर टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो भी व्यवस्था इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट थे, मैं वो लेके अपने गांव में प्रधान होने के नाते और एक जिम्मेदारी हमारा जो था, मैं डॉक्टर होने के नाते, मैं निकला अपनी टीम के साथ बना के, सोशल डिस्टेंस को रखते हुए, देखते हुए, इसका पालन करते हुए मैंने अपनी टीम को बना के अपने गाँव में गया और सभी का 3000 व्यक्तियों का, छोटे बड़े बुजुर्गों का लेके सबका टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद उन्हें बताया गया कि आप सर सुरक्षित हैं, आपको इस तरीके की कोई बीमारी नहीं है, आपको डरना नहीं है, इससे लड़ना है आपको, और लड़ने की स्थिति यह है कि आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, साथ साथ में इतना ध्यान रखेंगे यदि आपको खांसी आ रही है या इसके बाद छींक आ रही है तो आप अपने हाथों को न इस्तेमाल करके अपने बाहों को यहाँ से लगाइए ताकि जो है आपको वो फिर दोबारा टच ना करना पड़े, एक चीज़ ये बताया गया। प्लस इसके बाद वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे और जो जागृत व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उनको भी बताया गया कि आप अपने हैंड वॉश करिए, दिन भर में 7-8 बार अपने हाथों को धुलाई करिए, और फिर साथ साथ में मैंने उनको भी सारी सामग्री भी उपलब्ध कराया, जैसे मास्क और फिर इसके बाद सैनिटाइजर, साबुन और इस तमाम चीज़ों को दिया भी गया। साथ साथ में लगातार हमारे गांव में हफ्ते में 2-3 बार सैनिटाइजिंग भी किया जा रहा है, पूरे गांव में पूरा दौरा किया जा रहा है, फॉगिंग किया जा रहा है, इसके बाद जो है ब्लीचिंग वगैरह छिड़काव हो रहा है नाली में, फिर इसके बाद घास जहाँ पे, ये लगातार अनवरत चल रहा है और ये पूरे जनपद जौनपुर में सभी प्रधानों, हमारे प्रधान साथी जितने हैं वो लोग भी कर रहे हैं, मैं बराबर फीडबैक ले रहा हूँ, लगातार मेरे पास भी फोटोज़ हैं और
वीडियोज भी हैं, मैं आपको दे भी दूंगा और दिखा भी दूंगा कि प्रधान स्वयं अपने कंधों पे लाद के फायरिंग मशीन जो है और इसके बाद सैनिटाइजिंग करने वाली जो मशीन आती है ऑटोमेटिकली, वो पूरे गांव गांव लेके टहल रहे हैं, घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक ये सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। और इसके लिए जो जो भी बन सक रहा है प्रधान अपना वैसा कर रहे हैं और लगातार अनवरत चल रहा है और करते भी रहेंगे हम लोग, क्योंकि हमको इससे लड़ना है और साथ साथ में हम लोगों को सबको चेतना भी देना है। आने वाले अब प्रवासी हैं, अब उन प्रवासियों को भी देखना होता है कि उनको किस तरीके से इनको भी सेफ्टी किया जाएगा। यही सब चल रहा है अभी भी और सभी पूरे जनपद जौनपुर में लगातार हम लोग लगे हुए हैं और लगे भी रहेंगे। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का ये एक सोच है कि हमारा गाँव सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित हो, और स्वाभाविक है कि गाँव में ही सबसे ज़्यादा गरीब बसते हैं और उनकी ही इम्यूनिटी पावर्स बड़ी वीक होती है क्योंकि उनका खान पीन बहुत कमज़ोर होता है। अब हो सकता है कि ये कोरोना जो है COVID-19 जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं को करेगा जिनके पास इम्यूनिटी कमजोर होगी, उनको ज्यादा इफेक्ट करेगा, मैं यही समझता हूं। और सब लोगों को चेतना भी करना बहुत जरूरी है और लॉकडाउन का भी पालन करें और सोशल डिस्टेंस का बहुत ज्यादा पालन करें। चाहे लॉकडाउन खत्म भी हो जाए तब पर भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके हम इससे लड़ते रहेंगे। मनोज जी, आपके यहां मनरेगा का काम कैसा चल रहा है? हमारे यहां मनरेगा का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और लगातार जो है इसमें हम लोग वृद्धि भी कर रहे हैं। जो बाहर के प्रवासी आ रहे हैं उनको भी, जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उनको भी यहाँ पे ही नौकरी दी जाए। मैं समझता हूँ कि 4 महीने 5 महीने तक अभी भी जिम्मेदारी गांव की सबसे ज़्यादा रहेगी और उनका जाब कार्ड बना के जो डेली बेस का मजदूर है उनको हमें मनरेगा के तहत ही उनको डेली जो है काम देना है। तो इसलिए मजदूर मनरेगा सबसे बेहतर होगा और सबसे अच्छा होगा और आज के ज़माने में और जो कोरोना वायरस के कहर जो गिरा हुआ है सबसे बेहतर अगर कोई रोजगार देगा तो वो मनरेगा होगा। अब मनरेगा में आने वाले जो 14 दिन क्वारंटाइन में जा रहे हैं, जो स्वस्थ हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, उनका भी जॉब कार्ड बना के उनको भी डेली बेस पे नौकरी देने का मनरेगा के द्वारा दिया जा रहा है और बहुत बेहतर चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया जा रहा है क्योंकि उनका इस समय किसी रोजगार पर होना आवश्यक है उनका परिवार चलने के लिए, क्योंकि पूरा देश ऐसे संकट से गुजर रहा है, तमाम फैक्ट्रियां बंद चल रही हैं और लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत से भाग करके फिर अपने वही गांव आ रहे हैं। इसलिए गांव के जो प्रधान हैं, ग्राम के जो प्रधान हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। आपके संगठन का जो एक निर्णय था कि हम लोग मनरेगा का काम बंद करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तो आपने फिर मनरेगा का काम शुरू क्यों कर दिया? क्या आप लोगों ने ये मान लिया कि आप चोर हैं, आप बेईमान हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूरे प्रधान संगठन की तरफ से आपको। देखिए, कुछ मजबूरी इस तरीके की हमारे जो मनरेगा के रोजगार के व्यक्तियों के ऊपर आया। हमारी तो संगठन की लड़ाई तो उनसे थी, जिलाधिकारी महोदय साहब से, ये NDTV पे भी चलाया गया था जो जिलाधिकारी महोदय जी ने बोला है, परंतु COVID-19 को देखते हुए हमारी बात जो है, मैं जिलाधिकारी साहब से वाकिफ नहीं होता हूँ, डायरेक्ट जो है कमिश्नर साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि आज जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, आने वाले प्रवासी जो हैं उनको रोजगार देने का काम आपका है, आप एक महत्वपूर्ण पद पे रहते हैं, इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आप अपने पद का निर्वहन करिए, आपको कोई ये नहीं कह देगा कि आप चोर हो, बेईमान हो, कहने से नहीं होता। उन्होंने कहा न तो सिद्ध कर पाएंगे वो और न तो फीस के बाद वो बता पाएंगे कि ये समाज में इस तरीके का। हाँ, एक चीज़ है कि कुछ लोगों के दिमाग में वहम जा रहा है कि प्रधान समाज का दुश्मन है और प्रधान बेईमान है। ऐसे शब्द जब आएंगे, जब NDTV पे चलता है, रजत शर्मा जी जब चलाए थे, तो इसको सुनकर मैं नहीं समझता हूँ कि ग्राम प्रधान के पद पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या समाज सेवी व्यक्ति जो सोचता होगा कि मैं ग्राम प्रधान बन के अपने गाँव का विकास करूँगा, अपने गाँव का अच्छा प्रगति और विकासशील गाँव बनाऊँगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को खंडन करना चाहिए इनको। और आज भी आपने एक प्रश्न किया था कि फिर भी आपने काम चालू कर दिया। काम इसलिए चालू कर दिया क्योंकि मेरे अंदर दया है। अब मैं अपने जितने भी मजदूर होते हैं ना, हम उनसे वाकिफ होते हैं, हम किसी अधिकारी से वाकिफ नहीं होते हैं। इसलिए मैं एक अधिकारी जो कमिश्नर जो मंडल पे आयुक्त बैठे हुए हैं उनकी बातों को मान के, क्योंकि वो भी श्रेष्ठ हैं, उनकी बातों को मान के हम सभी प्रधान साथी
जितने भी 21 ब्लॉक के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आती हैं, हम लोगों ने कमेटी एक साथ बैठ के बैठक करके तुरंत इसको जो है काम चालू करवाया गया, जिससे हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिले। और लगातार अनवरत आज भी साइट पे कम से कम जो है 50-60 मजदूर डेली काम कर रहे हैं, वो चाहे जल संरक्षण के तालाब के लिए हो, चाहे सड़क के लिए हो, नाली की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाओं में हम लोग रेगुलर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं और करेंगे भी। और जिम्मेदारी भी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिम्मेदारी इसलिए हो गई है, इस महामारी से जितने भी प्रदेश से जो गए थे प्रवासी हमारे गांव से, जो मजदूर थे बेचारे जो बाहर गए थे, उनको आज कहीं नौकरी का कोई इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। और मैं समझता हूं कि इतने जल्दी भी नहीं आएगा, वो साल भर भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। इसलिए आज जो ये मनरेगा चला है, ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर बेनिफिट अगर देगा तो वो हमारे मजदूर को, डेली वेज मजदूर जो है उनको देगा, और बहुत बेहतर काम है। और सरकार में किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, और इससे मनरेगा से जितने मजदूर यहाँ पे काम करेंगे, मैं समझता हूँ जो गांधी जी की सोच थी कि सबसे पहले अगर गाँव बनेगा तो देश अपने आप बन जाएगा, आज वो उस दिशा में हम लोग चल दिए हैं। और मनरेगा से इतना बेहतर काम करके दिखा देंगे कि गाँव हमारा पगडंडी से लेके रास्ते से लेके शहर, तहसील से लेके जिले लेकर राजधानी तक जोड़ने का काम करेगा, और सबसे बेहतर काम होकर मनरेगा से होगा और सबको रोजगार मिलेगा। जैसा कि आप सुन रहे थे, जो वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी अपने चैनल के माध्यम से, तो इस तरह से जैसा कि भी मनोज जी कह रहे थे कि ग्राम प्रधान पर किस तरह से, तो मामला क्या था? मामला तो आपने बताया नहीं कि मामला क्या था जिस पर जिलाधिकारी ने सभी प्रधानों को बेईमान और चोर का एक टैग लगा दिया। मामला देखिए कुछ था नहीं, अब उनके मन में क्या था ये मैं नहीं कह सकता, परंतु वो उसको सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जिस पे ब्लेम लगाएंगे आप, तो पुख्ता आपको सबूत देना पड़ेगा। मामला ये आया पचोखर के, अरे पचोखर से शुरू हुआ था, और 5 प्रधानों के ऊपर धड़ाधड़ मुकदमे लगे। मामला वहां से आया कि मजदूर का पैसा निकाल के प्रधान ने ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं, सभी बुद्धिजीवी हैं, मैं अपने बेटे के खाते से पैसा नहीं निकाल सकता, अपने पत्नी के खाते से नहीं निकाल सकता, तो उस मजदूर का पैसा उसके खाते से कैसे निकाल सकता हूं? ये प्रश्न उठता है कि नहीं? अगर ये प्रश्न उठता है तो ये भी उनसे पूछा जाए, क्या जिला अधिकारी महोदय के खाते से मैं पैसा निकाल सकता हूं? जो उनका पर्सनल खाता है, नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो वही निकाल सकते हैं। वो जाएंगे बैंक में और फिर इसके बाद मैनेजर उनसे रूबरू होंगे, अकाउंटेंट रूबरू होंगे कि भाई आप कौन है, फला है, फला का नाम है, फिंगर लगाओ, कैमरा दिखाओ, फिर इसके बाद उनको उनके हाथों पैसा आएगा, वो उनको देंगे। और जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने, उस समय महामारी चल रही थी, तो गाइडलाइन आई होगी, उसकी गाइडलाइन होगी कि 1,000 रुपये मजदूर के खाते में जाएगा, तो ऐसा पैसा नहीं गया। जो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जो पैसा रुका हुआ था मजदूरों का, मजदूरी का, वही पैसा आया था। ऑफिस के बाद जो प्रधान पैसा मजदूरों को दे दिए थे, मजदूरों से पैसा वही लिया गया था, वही रिटर्न पैसा हुआ था और वही पैसा मजदूर दे रहा था। तो स्वाभाविक है कि उसके गाँव में एक प्रतिद्वंदी हमेशा रहता है, तो उनको जो है मोटिवेट करके ऑफिस के बाद इस तरीके का वीडियो बना के वायरल किया गया, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं और कुछ नहीं कह सकता, आप समझते होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उस पर ध्यान न देके तुरंत जो है एक्शन ले लिया गया, और वो एक्शन मैं समझता हूँ बेबुनियादी है और बेबुनियाद है। हाँ, अगर जिसके पास पेन में ताकत होती है, पावर होता है, तो वो चाहे जिस तरीके से, चाहे जिसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको जेल भिजवा सकता है, उसको जो रसुका लगा सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज बर्बाद कर सकता है फर्स्ट टाइम पे, मगर फिर भी उसके लिए जब साक्ष्य आता है, कोर्ट है और सब तमाम है, उससे वो गुजरेगा जब, तो उनके ऊपर भी वो एलिगेंस लगेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो हमारे पास तो रास्ता है, और ये पंचायती राज एक्ट जो होता है, ये किसी दल या पार्टी से नहीं आता है। हम तो एक तरीके से अपने गांव के विकास के लिए सरकार जो भी बनती है, उसकी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए, जितनी योजनाएं चलती हैं गरीबों तक पहुंचाने के लिए, गांव को सुदृढ़ और सुंदर बनाने के लिए, हम लोग उस पर काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग एक जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि जो अपने काम को बखूबी समझते हैं, अपने गांव तक, अपने गांव के गरीबों तक उस काम को पहुंचाते हैं। हमसे बेहतर कोई काम नहीं कर पाएगा जो पंचायत में रह के हम लोग काम कर देते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आपसे ये अनुरोध करूंगा, ऐसे जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनको कृपया बताया जाए कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो बड़ा सम्मानित पद होता है, और ग्राम प्रधान करके खास, कम से कम उसका सम्मान होना चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारी इस बात को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साहब सुनेंगे तो हमारे सभी प्रधान साथियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं बस इसी में करता हूँ, और
इसके सिवा और नहीं कुछ बता सकता आपको, यही मेरी मांग। जैसा कि मनोज जी कह रहे थे, फिलहाल मामला चाहे जो हो, अगर किसी प्रधान ने भ्रष्टाचार किया है तो कोई एक दो चार दस प्रधान कर सकते हैं, लेकिन प्रधान शब्द पे ही, प्रधान पद पे ही लांछन लगा देना, उनको चोर कहना, बेईमान कहना, ये सरासर अन्याय ही कहा जाएगा, गलत ही कहा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुबुद्ध व्यक्ति हैं जो अपने गांव का विकास करने के लिए उस पद पर बैठना चाहते हैं कि हमें प्रधान का पद मिलेगा तो हम अपने गाँव का विकास करेंगे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के इस शब्द के बाद जो अलंकार, जो सम्मान उन्होंने दिया है, उसके बाद कोई भी एक सुबुद्ध व्यक्ति, अच्छा नागरिक इस पद पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और रही बात मनरेगा में पैसे की, तो अगर आपको कहीं से भी गलत नजर आता है तो सबसे पहले उसकी जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। जांच कमेटी के माध्यम से किसी भी प्रधान की या किसी भी ऐसे इलेक्टेड व्यक्ति की जांच होती है, उसके बाद जांच में जो भी निर्णय आते हैं उस निर्णय के आधार पर उनको आगे सजा सुनाई जाती है। लेकिन ये एक सम्मानित पद के लिए जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे किसी संगठन का चुनाव हो या कोई पार्लियामेंट का सदस्य हो, जो भी इलेक्टेड होता है वो सम्मानित होता है, उसके लिए एक नियम काम करता है। क्योंकि गांव की बहुतायत जनता जब किसी को वोट देती है तो वही ग्राम प्रधान बनता है। 2000 में जब किसी को 1200 वोट मिल जाते हैं, सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, यानी कि वो गाँव में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसी को ग्राम प्रधान बनाया जाता है। और जब उस व्यक्ति पर इस तरह का टैग लगता है तो उसके मन में किस तरह के विचार आएंगे, किस तरह की भावनाएं आएंगी, उसका मानसिक क्या हालात होंगे, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। मनोज जी, फिर संगठन आगे से, कोरोना काल भी हो सकता है लंबा चले, संगठन इसके लिए और आगे कहाँ तक लड़ाई करने की सोच रहा है, क्या आप लोग एक्शन लेंगे? देखिए, कोरोना से तो रेगुलर हम लड़ेंगे, और प्रधान एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और प्रधान पद पे रह के जो उनके गांव के लोग होते हैं वो वहां का मुखिया होता है, वो ये चाहेगा कि कोई भी मेरे यहाँ मेरे गांव में कोई कोरोना प्रभावित न निकले, और हम लोग पूरा पूरा उसमें मेहनत कर रहे हैं और पूरी पूरा काम कर रहे हैं, और ज़रूर है कि जब भी चलेगा ये, हम लोग अनवरत इससे लड़ते रहेंगे और अपने लोगों को इंसुल्ट होने से बचाएंगे कि ताकि कोरोना से कोई इफेक्ट ना होने पाए, और लगातार हमको जो भी इससे लड़ाई लड़ना होगा मैं करता रहूँगा, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा जैसा आप चाहते हैं वैसा प्रधान करके दिखाएगा और अपने देश को सुदृढ़ और बहुत सशक्त बनाएगा, चाहे जिस मामले पर लेके। मैं समझ रहा हूँ कि आज के डेट में हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत माइनस होते जा रही है, परंतु तो इससे डरने की बात नहीं है, बहुत ऐसी समस्याएं आई हैं, भारत उससे लड़ा है, और भारत की भूमि ऐसी है कि हम समझते हैं कि ये लड़ाकू भूमि कही जाती है, इस मिट्टी से हमेशा हम लोग लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, फिर अपने भारत को चरण सीमा पे ले जाके पहुंचाएंगे। और कोरोना जिस तरीके से जाएगा, आने वाले समय में सुनने में आ रहा है 6 महीने 7 महीने में वैक्सीन अगर बन जाएगी तो हम इसे लड़ लेंगे, तो वैक्सीन ही इसका इलाज है, अभी तक कोई इस तरीके का इलाज नहीं आया है, तो टीकाकरण ही से इलाज हमको मिलेगा, और जहां तक होगा कि पूरे गांव में हम लोग ऐसे खड़े होकर, पूरा संगठन हमारा, पूरा प्रधान संगठन जितना है वो लगातार अनवरत अपने संगठन के साथ जो है अपने गांव की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और लड़ता भी रहेगा, कोरोना से बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम समझते हैं कि जो कहर आई है हमारे ऊपर, जो है हमारे देश के ऊपर, हम इससे लड़ने के लिए हमको जो है जिस तरीके से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम भारत के सरकार के साथ हैं। हम कोरोना वॉरियर्स के लगातार आपको दिखा रहे हैं कवरेज भी, कि जो लोग फ्रंट लाइन में खड़े हैं उनको सुविधाएं बहुत कम हैं। कुछ दिन पहले हमने एक समाचार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि होमगार्ड जो पहली लाइन में खड़े होते हैं उनके लिए सरकार ने कितनी खराब व्यवस्थाएं की हैं, उनको मास्क सैनिटाइजर तक उपलब्ध नहीं है, जबकि हर चौराहे पर और हर मेन पॉइंट्स पर, हर हॉस्पिटल में सबसे पहले उन्हीं की ड्यूटी है। दूसरे कोरोना वॉरियर्स जो ग्राम प्रधान हैं, जो गांव के हर एक सदस्य से मिलते हैं, उनको मिलना आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर ही रहे हैं लेकिन जाना पड़ता है। ऐसे में जो कोरोना से लड़ रहे हैं इनके लिए सम्मान होना चाहिए, इनका भी, इनके लिए भी ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा जिम्मेदाराना पद है कि जो हर लोगों के क्षुधा की तृप्ति की भी जिम्मेदारी, भरण पोषण की जिम्मेदारी, हर एक अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुँचाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। शासन में कुछ दिक्कतें हैं, आगे चल के हो सकता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उसको सुधारें। दिक्कतें ये हैं कि मनरेगा का काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको रोज कमाना है, रोज खाना है, लेकिन ऐसा नहीं, काम तो रोज करते हैं लेकिन पैसा कभी कभी उनका 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक होल्ड हो जाता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है।
ऐसी परिस्थिति में जब मनरेगा का मजदूर किसी ग्राम प्रधान के अंडर में काम कर रहा होता है, तो काम करने के बाद फावड़ा चलाने के बाद शाम को प्रधान के पास जाता है कि हमको प्रधान जी कुछ पैसा दे दीजिए, हमारे घर में राशन की आवश्यकता है। ऐसे में ग्राम प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने जेब से उठा करके वह उस मनरेगा मजदूर के खर्च को वहन करता है। और कभी ऐसा समय आता है कि जब मनरेगा मजदूर का पैसा उसके खाते में आता है तो प्रधान जो पैसा दिया होता है तो मनरेगा मजदूर उसको वापस करता है। इसको कतई बुरा नहीं माना जाना चाहिए और जो जांच होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुतायत मामले ऐसे देखे हैं कि जहां तीन तीन चार चार महीने पैसे होल्ड रहते हैं, अकाउंट से प्रधान पैसे निकाल नहीं पाता है या कभी पैसे आए ही नहीं रहते हैं। ऐसे समय में जो मजदूर रोज काम कर रहा है उसको रोज खाना खाना है, ये जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको ये विचार करना चाहिए कि आखिर उस मजदूर का भरण पोषण कहाँ से होता है जो रोज काम करता है, रोज खाता है। तो इसकी जाँच करने के बाद ही किसी प्रधान पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक सम्मानित पद है। और जो लोग फ्रंट लाइन में खड़े हैं आज कोरोना से लड़ने के लिए, कम से कम कोरोना काल में उनके लिए भी सम्मान होना चाहिए। और उनके लिए कोई ऐसे अपमानजनक शब्द अगर कहे गए हैं, आपके मुंह से गलती से निकल गए हैं, तो गलती स्वीकार करने में बुराई नहीं होती, आप बड़े बन सकते हैं, ऐसा मेरे चैनल का मानना है। चलते चलते मनोज जी, चूंकि आप एक चिकित्सक भी हैं और बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक हैं आप, तो जो आपके लोग हैं, जो आपके पेशेंट हैं और एक प्रधान संघ के आप जिलाध्यक्ष भी हैं, तो प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष होने के नाते जौनपुर की जनता को और चिकित्सक होने के नाते जो लोग यहाँ रह रहे हैं, चिकित्सकीय दृष्टि से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी हाल में 3 तारीख से हमारे यहाँ जनपद जौनपुर में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कर दिए गए हैं और इसे हमारी जनता जो है बहुत परेशान हो रही है। मैं समझता हूँ कि बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं उनका जो है कोई डिटेल नहीं हो पा रहा है, चोरी से भी आ जा रहे हैं, कुछ उस तरीके से आ जा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप ही लोगों के नाते ये अस्पतालें बंद की गई हैं। मैं आप लोग से यही कहूँगा कि अपने आप को छुपाएं नहीं, अपने आप को आगे लेके आएं। ये कोरोना जो है ये आड़ में बंदूक चला रहा है, गोली मार रहा है आपको, और आप उससे जो है अरे बच नहीं पाएंगे। आपको सामने आना पड़ेगा, आपको अपने आप को बताना पड़ेगा। आपको कोई सजा नहीं होने वाली है, आपका इलाज होगा, आप फिट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अपने घर में सुरक्षित कुशल व्यवहार से रहेंगे। और 14 दिन जो आपको क्वारंटाइन किया जा रहा है वो आपके परिवार को भी आपसे बचाया जा रहा है। और आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आपको किसी को दूर नहीं किया जा रहा है, आपको भी सेव किया जा रहा है, आपके परिवार को भी सेव किया जा रहा है, आपके समाज को भी सेव किया जा रहा है, आपके देश को भी सेव किया जा रहा है। तो मेरा बस चिकित्सकीय जो हमारा कहना है लोगों से कि अपने आप को सुरक्षित रखें और समय समय से दवा और मेडिसिन लेते रहें। यदि अगर आप लोग चोरी छुपे से प्रदेश से आए वाले लोग अगर अपने घर में रहेंगे या बैठे रहेंगे, इससे बच्चे भी इफेक्ट होंगे, परिवार वाले इफेक्ट होंगे, और फिर इसके बाद आपके अगल बगल वाले लोग इफेक्ट हो जाएंगे। और ये महामारी जो है, अभी तो हम कह रहे हैं, जब ये महामारी के रूप में जब पकड़ लेगा तो हम आप लड़ नहीं पाएंगे इससे। इससे लड़ने के लिए हमारे पास जो है ऐसी अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो मैं आप पूरे अपने भारत की जनता से, अपने जनपद जौनपुर के जितने भी नागरिक हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने आप को स्वयं ठीक कर सकते हो। आप स्वयं में डॉक्टर हो, स्वयं में डॉक्टर ऐसे हो कि अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं परदेश से कोई आया है मेरे पास या परदेशी जो आ रहे हैं, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, समय से जांच करा लें। हमारे यहाँ जिले पे व्यवस्था बनी हुई है, हमारे यहाँ जो PSC हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे भी सारी व्यवस्था है, चेकअप समय समय पे कराते रहें और छुपाएं ना, बताएं कि मैं परदेश से आया हूँ, मैं फलाने जगह से आया हूँ, मैं दूसरे जिले से आया हूँ, क्योंकि हर जगह इसका इफेक्ट पहुँच रहा है। ये वायरस जो है ये अंधेरे में चल रहा है, हम ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दुश्मन दिख नहीं रहा है। और जो दुश्मन नहीं दिखता है तो वो कहीं पे भी वार कर सकता है, जो दिखता है तो उससे हम तो बराबर लड़ लेंगे, मगर जो नहीं दिख रहा उससे हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं सभी लोगों से, अपने भारत की जनता से, खास करके जौनपुर की जनता से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अपने आप को जब सुरक्षित करेंगे, अपनी बात को बताएंगे समाज के बीच में, डॉक्टर को बताएंगे, हमारे जो जिले पे शासन प्रशासन कंट्रोल रूम है वहां पे बताएंगे, तो आपका उपचार हो सकता है। उससे आप काफी रोक सकते हैं, रोग को रोक सकते हैं, रोगियों को रोक सकते हैं, नहीं तो आप लोग के वजह से और भी लोग जो यहाँ के लोग हैं वो भी मतलब कि जनरल दवा से भी परेशान होंगे, जनरल दवा से परेशान होंगे, जो छींक आएगा, बुखार आएगा, खांसी आएगा,
इन तमाम चीजों से काफी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ अभी तो ऑरेंज जोन में चल रहा है हमारा जिला, परंतु अगर दो चार और निकल गए तो ये रेड जोन में जब आ जाएगा तो आप घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे ख्याल से कोरोना से बाद में आप इन्फेक्ट होके इंस्पायर्ड होंगे, परंतु आप जो है बिना इलाज के भी आप ऐसे दिक्कत हो जाएगी आपको। कोई कोई बच्चों की बात बता दूं, किसी को डायरिया हो जाए, निमोनिया हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, अगर आप बाहर नहीं निकल पाओगे, घर पर रहोगे, तो इससे और भी रोग बढ़ेगा। इससे रोग बढ़ेगा तो तमाम तरीके की बीमारी बढ़ेगी। उसी तरीके से जैसे आज हमारे यहाँ जो हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, जो रेगुलर दवाई लेने वाले लोग हैं, जिनकी प्रतिदिन दवाई खाने वाले लोग हैं, लॉकडाउन जब बढ़ेगा तो वो दूसरे जिले में भी, जैसे हमारे यहाँ बनारस में भी जाते हैं, इलाहाबाद में भी जाते हैं, कई अस्पतालों में जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल के कुछ उनके फेवरेट डॉक्टर हैं जिसको ही दिखाते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपने चिकित्सक, जो उनके चिकित्सक जो डेली उनको चेकअप रूटीन्स वाले हैं, उन चेक नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा सभी लोगों को, जो बाहर से आने वाले हैं, चोरी छुपे न आए। अगर आप ही जा रहे हैं तो अपनी जानकारी हॉस्पिटल पर दें, कंट्रोल रूम को दें, अपने यहाँ के प्रधान को दें, प्रधान से बताएं, प्रधान जो है उनकी जिम्मेदारी लेके वो अपने जो है सेंटर जहाँ पे बना हुआ है कोरोना टेस्ट करने वाला, वहाँ पे ले जाके वो सब करें। मैं तो यही आप लोगों से कह सकता हूँ, यही निवेदन कर सकता हूँ, कोरोना से यही लड़ने का साधन है। इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई और कोई होता नहीं, इसका उपचार केवल हम आप हैं। जितना हम लोग आप सेफ रहेंगे उतने आपके लिए बेहतर होगा। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा अपील अभी डॉक्टर मनोज कुमार यादव जी कर रहे थे, और ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जो नियम निर्देश दिए जा रहे हैं उनका बखूबी पालन करें, क्योंकि पूरे देश को उसी नियमों के तहत ही बचाया जा सकता है। हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हम मास्क लगाएं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा लोगों को लाया भी जा रहा है, कुछ लोग चोरी छिपे आ रहे हैं, उनको सबको चाहिए कि अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की ज़िंदगी का भी ख्याल करें, अपने गांव वालों की ज़िंदगी का ख्याल करें, आने की सूचना अपने ग्राम प्रधान को दें, कंट्रोल रूम को दें, और जाँच कराएँ, ताकि यदि कोई दिक्कत होती है तो उनको क्वारंटाइन किया जा सके, उनका समय से इलाज हो सके, और अगर दिक्कत नहीं भी है तब भी सावधानी आवश्यक है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ, और देखते रहें पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।